बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में वेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ सके। तो यहाँ पर मेरे पास वेट, चाइना का वेट है और ये होंडा गाड़ी में लगा हुआ है। GB2 की इसकी कनेक्टिंग रॉड होती है हमेशा होंडा की। ये देखिए, आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये लिखा हुआ GB2 की रॉड है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर रॉड जो है, ये देखें, कनेक्टिंग रॉड जो है ये एटलस होंडा मेड इन मलाइशिया है और ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है HSI कंपनी का नाम है और ये मेड इन मलाइशिया है। एटलस होंडा की ही टक्कर की कनेक्टिंग रॉड है। तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट, अब आपको इसमें एक चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं। ये देखें, जब ये इसकी पुरानी है तो इसमें थोड़ी सी जो है चाल भी आ गई है। ये देखें यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए चाल आ चुकी है इसके अंदर। यहाँ से भी आप देखेंगे चाल है और यहाँ से ये स्पिन बैरिंग होता है इसके अंदर। तो ये बेसिकली कट जाता है, बैरिंग भी कट जाता है और दूसरी बात है ये चाल भी करने लगती है। अब आप देखें, अगर इसको घुमाते हैं तो ये देखें, ये देखिए कितना आवाज कर रहा है। ये देखिए, ये जब चलती है तो ज्यादा आवाज करने लगती है। तो इसके बुश भी कट जाते हैं लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऐसी चाल नहीं है। ये देखें, बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, इसकी मेन वजूहत ये होती है, इसकी सुराख भी बंद हो जाते हैं जिसमें जो है आयल आना बंद हो जाता है। यहाँ से आयल आना ज़रूरी होता है इसमें, इस स्पिन बैरिंग में आयल आता है जिसकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमता है तो ये लाजमी खुले होने चाहिए इसके सुराख। ही आप चेक करा लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से ऑयल डालता हूँ इसके अंदर, ये देखिए, ये मैं ऑयल इसके अंदर डालता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाला तो ये यहां से आना चाहिए आयल। ये देखिए यहाँ पे ये ऑयल आना शुरू हो गई है, ये देखिए ये ऑयल आना शुरू हो गई, ये रहा, ये आ रहा जो लाल रेड। तो ये देखिए यहाँ पर जो होता है ये ऑयल आना शुरू हो जाता है, ये रेड कलर का मैंने ऑयल डाला है और यहाँ पर ये आना शुरू हो गया। यहाँ से अगर डालते हैं ऑयल तो यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी होता है, स्पिन बैरिंग तक, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग रॉड को तर रखता है और अंदर जो बैरिंग होता है इसके, उसको भी जो है बिल्कुल तर रखता है। तो यहाँ से ऑयल बिल्कुल सही इसमें पूरा आना चाहिए। तो अभी आपने देख लिया यहाँ से ऑयल आ रहा है क्योंकि ये अभी नई है, ब्लॉकेज नहीं है। अगर आप इंजन के ऑयल को साफ रखते हैं तो इंजन का ऑयल जो है बिल्कुल प्रॉपर जो है इसके अंदर वर्क करता रहता है, और कचरा फंस जाए तो फिर ये कनेक्टिंग रॉड में, इसमें बैरिंग में नहीं आता, जिसकी बिना पर जो है ये कट जाता है बैरिंग और जिसकी बिना पर आवाज़ भी करना शुरू कर देता है। तो ये सारा मेन रोल होता है इसमें ऑयल का, सारा ऑयल अगर इसमें तर है तो ये बेसिकली बिल्कुल सही वर्क करेगी आपकी। तो आज की वीडियो यहीं तक, आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई। नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर ताकि नेक्स्ट वीडियो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलती रहे। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।